जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक ड्राइवर की वैकेंसी होती है उसके अंदर किस प्रकार से ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। इवन आपकी चाहे वो कोई भी पुलिस हो, चाहे सेंट्रल पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे CRPF ड्राइवर हो, चाहे CISF ड्राइवर हो, या इसके अलावा आपकी SSB, ITBP, असम राइफल, कोई भी पुलिस का ड्राइवर हो, दिल्ली पुलिस का ड्राइवर हो, चाहे इसके अलावा आपके फायर कोई ड्राइवर हो, या इसके अलावा राजस्थान पुलिस ड्राइवर हो, चाहे अदर कोई भी पुलिस की जो भी वैकेंसी होती है, और उसके अंदर ड्राइवर के पद के लिए जो भी टेस्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट, वो इस प्रकार से लिया जाता है। तो इसे आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक ड्राइविंग टेस्ट के लिए हमें कौन कौन से प्रकार से मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं और उन मॉड्यूल्स के तहत आपको वहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, और इसके अंदर आपको इसी हिसाब से जो अपनी ड्राइव करना है गाड़ी की, के दोनों लाइन के बीच में आपको अपनी गाड़ी होनी चाहिए और वो इधर भी इधर उधर दाएं बाएं कोई भी जो वाइट लाइन है इसके ऊपर आपकी गाड़ी के पहिए नहीं जाने चाहिए। और इस तरह से आपके ड्राइविंग टेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा नेग्लिजेंसी नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल ये फेस टू फेस आप लोगों का एक ग्राउंड टेस्ट है जो सभी अधिकारियों के समक्ष होता है। तो आप जो भी ड्राइविंग की भर्ती के लिए जो भी आप एक कैंडिडेट हैं वो तैयारी करते हैं, तो वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें, ताकि वो ड्राइविंग टेस्ट के अंदर कभी भी मतलब फेल नहीं हो, और वो पेपर के साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट भी पास करके और अपनी जो भर्ती है उसके अंदर सिलेक्शन लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। BL Education & Motivation को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।